दोस्तों एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि मुझे परमात्मा दिखा दो। राजा का हुक्म था, इसलिए बीरबल परेशान हुए कि अपने बादशाह को परमात्मा कैसे दिखाऊं। और यही विचार करते करते उन्होंने बादशाह से कुछ दिन की मोहलत मांग ली और छुट्टी लेकर घर बैठ गए। अब वो इसी उधड़बुन में लगे रहते थे कि मैं बादशाह को कैसे परमात्मा के दर्शन कराऊं। जब घर वालों को इस बात का पता लगा तो बीरबल के बेटे ने कहा, बस इतनी सी बात है, कल मुझे दरबार में ले चलना, मैं अकबर बादशाह को परमात्मा के दर्शन करा दूंगा। हालांकि बीरबल इस बात को सुनकर हैरान हुए, लेकिन बच्चे के आग्रह करने पर उसे राज दरबार लेकर पहुंच गए। बादशाह अकबर ने बच्चे को देखते हुए कहा, ये बच्चा मेरी बात का क्या समाधान करेगा। लड़का बोला, थोड़ी देर शांत रहिए, मैं अभी आपकी समस्या का समाधान करूंगा। इस वक्त मैं आपका गुरु हूँ, इसलिए मुझे उचित स्थान दिया जाए। राजा ने सोचा, बात तो लड़का ठीक कर रहा है, बात का समाधान करने वाला गुरु ही तो होता है। खैर, उस लड़के के लिए राजा से थोड़ा सा ऊंचा आसन लगा दिया। लड़का बोला, एक दूध का कटोरा मंगवा। राजा ने दूध का कटोरा मंगाया। लड़के ने महाराज से कहा, महाराज इसमें घी है। राजा बोला, है। लड़का बोला, पहले आप मुझे उसके दर्शन कराओ। राजा बोले, तुम मूर्ख है, घी के दर्शन थोड़ी होते हैं, पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर दही जमाना पड़ता है, फिर उसे मथनी से मथना पड़ता है, फिर गरम गरम कढ़ाई में डालकर उसे उबालना पड़ता है, उसकी मैल निकल जाती है, तब उसमें से कहीं जाकर घी के दर्शन होते हैं। लड़का बोला, बस यही आपके प्रश्न का उत्तर है, पहले साधना करनी पड़ती है, उसे ज्ञान की अग्नि में तपाना होता है, फिर जाकर कहीं ईश्वर के दर्शन होते हैं। अकबर समझ गया। अकबर ने बोला, तू वाकई मेरा गुरु है, ईश्वर के जानने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, सच्चे विश्वास और सच्ची लगन से करना पड़ता है। वैसे हर आत्मा में ईश्वर का अंश है, उसी को ईश्वर का रूप मानना चाहिए, तभी सुख की प्राप्ति संभव है। बस यही संसार का नियम है, इतना पालन कर लीजिए, आपको हर चीज में ईश्वर दिखाई देगा, हर चीज में परमात्मा का अंश है। इस बात को हमारे शास्त्रों में भली भांति बताया गया है, लेकिन हम उसे पढ़ तो लेते हैं लेकिन मानते नहीं है। मानिए, एक अलग ही दिशा में आपका जीवन जाएगा। जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आपकी समझ में आ गया है। बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।